मोहिनी एकादशी महातम्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है व उसकी क्या कथा है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी ने पूछा था, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप व दुख नष्ट हो जाते हैं। महर्षि बोले, हे राम, आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न अवश्य ही लोकहित में होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक एकादशी होती है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप व दुख नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में धनपाल नामक वैश्य रहता था, जो धर्मात्मा व विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब व धर्मशाला आदि बनवाए। उसके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह पराई स्त्रियों का भोग करता था। अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च करता था। तंग आकर पिता व कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने पर, धन नष्ट होने पर वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब उसने चोरी करने का विचार किया। वह एक दिन पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया व अनेकों कष्ट दिए। राजा ने आज्ञा दी कि वो राज्य की सीमा छोड़कर निकल जाए। वह जंगल में रहने लगा व बहेलिया बन गया। धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारने लगा। एक दिन वह पापी भूख प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके वस्त्र के छींटे मात्र से उसमें सद्बुद्धि जागी। वह पापी हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, वत्स, ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह प्रसन्न हुआ। वह बतलाए हुए विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ वाहन पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। वह इसके महात्म्य को सुनने व पढ़ने से सहस्र गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्ण।